के साथ राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है आपको बता दें दर्शकों, जहां पर धान खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन के पार हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त 23,39,000 किसानों ने अपना धान बेचा है, किसानों को 22,000 करोड़ से अधिक का भुगतान, ये खबर आ रही राजधानी रायपुर से। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव और 89 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है आपको बता दें राजधानी रायपुर से, और ये बड़ी खबर है कि किसानों को 22,000 करोड़ से अधिक का भुगतान भी हो चुका है। प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन के पार जा पहुंचा है। 23,39,000 किसानों ने अपना धान बेचा है, किसानों को 22,000 करोड़ से अधिक का भुगतान भी हो चुका है। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, 89 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ अब तक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें दर्शकों कि प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचा हुआ है और ये रिकॉर्ड है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन के पार हो गया। 23,39,000 किसानों ने अब तक धान बेच दिया है, किसानों को 22,000 करोड़ से अधिक का भुगतान भी हो चुका है। वहीं कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी हो गया है, 89 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, 107 लाख मीट्रिक टन के पार ये आंकड़ा पहुंच गया प्रदेश में धान खरीदी का, वाकई में रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से लगातार 34 साल धान खरीदी के अपने ही आंकड़े को इस सरकार ने तोड़ा है। पिछले बार 98 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, लेकिन अब 107 लाख तक के आंकड़ा पहुंच गया और अभी भी कुछ समय बाकी है धान खरीदी में। ऐसे में देखा जा सकता है कि ये जो आंकड़ा है वो लगातार और भी बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक प्रदेश में नहीं, और बड़ी संख्या में जो किसान है उनकी संख्या भी बड़ी, लगभग 23 लाख किसानों ने धान बेचा है और उनको जो राशि का भुगतान है वो भी लगातार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि, और यही वजह है कि रिकॉर्ड उपलब्धि के तौर पर सरकार इसका जश्न मना रही है और इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।